वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हीट एंड टेम्परेचर यानी उष्मा और ताप से अक्सर पूछे जाने वाली कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस की बारीक जानकारी का होना कंपटीशन के फील्ड में काफी जरूरी है। फ्रेंड्स, चूंकि हमारा यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म ऐसे ही नई नई वीडियोस जो कंपटीशन के लिए काफी हेल्पफुल होती है लंच करती रहती है, इसलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट्स आप तक इमीडिएटली पहुंच सकें। अब आइए हम हीट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब -273 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का जो सबसे न्यूनतम संभव मान है वह है -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि 0 केल्विन के बराबर है। नेक्स्ट, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापक्रम मापा जा सकता है। अगला, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 98 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फारेनहाइट, 66 डिग्री फारेनहाइट। सही जवाब है 98 डिग्री फारेनहाइट। अगर सेल्सियस में इसको नापा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? सही जवाब चुनना है, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है, आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, धातु गर्म करने से फैलती है और ठंडी होने से संकुचित होती है। अगर दो रेल पटरियों के मध्य एक खाली जगह नहीं छोड़ा जाए तो गर्मियों के दिन में पटरी के फैलने से पटरी टेढ़ा होने का चांसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट, 19 कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे उष्मा के अच्छे शोषक होते हैं, वे उष्मा के अच्छे वितरक होते हैं, सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, उष्मा के अच्छे रोधक होते हैं। सही जवाब है उष्मा के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े का जो एडवांटेज है वह है कि हमारे शरीर का ताप जो है उसको बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण हमें ठंडे दिनों में गर्मी का फीलिंग होता है। नेक्स्ट,
पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने से ग्लास में पानी का तल क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कि तल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तल अपरिवर्तित रहता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु जब किसी द्रव में तैरती है तो उस वस्तु के भार के बराबर द्रव का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चूंकि उस प्रिंसिपल को अगर यहां पर हम अप्लाई करेंगे तो हम पाते हैं कि बर्फ के पिघल जाने के बावजूद भी द्रव का जो तल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसा देखा गया है कि कोई भी लिक्विड उसके क्वथनांक पहुंचने से पहले ही उसमें कुछ वाष्प बनने की क्रियाएं होती हैं और वह लिक्विड से वाष्प बनकर धीरे धीरे उड़ने लगता है, तो इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस पर, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्योंकि पानी का उबलना वायुमंडलीय प्रेशर पर निर्भर करता है, अगर वायुमंडलीय प्रेशर कम होगी तो पानी कम तापमान पर उबलेगी और अगर वायुमंडलीय प्रेशर अधिक होगी तो पानी अधिक तापमान पर उबलेगी। क्योंकि पहाड़ों के ऊपर वायुमंडलीय प्रेशर के कम होने के कारण पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगती है। सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पूर्ति करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ताप संरक्षण, कार्य संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ जो है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को ही बताता है। सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का तापमान 300 केल्विन है, सेल्सियस में मान होगा 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा 27 डिग्री सेल्सियस। जब कभी भी हमें केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि केल्विन में हम लोग घटा देंगे 273। तो जब 300 में 273 घटा देंगे तो रिजल्टेंट होगा 27। तो इस प्रकार इस वस्तु का तापमान होगा 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की क्रिया से पानी और घड़े का जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उससे
हीट बाहर निकल जाती है जिसके कारण घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक है? लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन। इन चारों ऑप्शनों में से जल की उष्माधारिता सबसे अधिक है। नेक्स्ट, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो, काला और पॉलिश हो, सफेद और खुरदरा हो, सफेद और पॉलिश हो। सही जवाब होगा कि जब वह काला और खुरदरा हो। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण जो है वह है बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, यानी क्वथनांक का बढ़ जाना। प्रेशर कुकर के अंदर वाष्प का प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होता है। इस प्रकार वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक होने के कारण उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और वह हायर टेम्परेचर पर उबलने लगता है, जिसके कारण भोजन कम समय में ही तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका कारण क्या है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाती है, भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, भाप हल्की होती है। सही जवाब होगा भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक और जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो जब कभी भी पानी में नमक या कोई भी दूसरा सॉल्यूट मिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट दोनों माप क्रमों में एक समान है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, ऐसा देखा जाता है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कुछ और होता है और डिग्री फारेनहाइट में कुछ और होता है, लेकिन एक टेम्परेचर है जिसका रीडिंग डिग्री सेल्सियस में भी वही होगा और डिग्री फारेनहाइट में भी वही होगा, और वह है -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट,
निम्न तापी इंजन क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग होता है। पनडुब्बी में, शल्य कर्म में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में, अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल आजकल रॉकेट प्रौद्योगिकी में हो रहा है। इस प्रौद्योगिकी में ईंधन के रूप में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है और इसको लिक्विड में बनाए रखने के लिए टेम्परेचर का काफी निम्न होना बहुत जरूरी है, इसलिए इस प्रकार के इंजन को क्रायोजेनिक इंजन यानी निम्न तापी इंजन कहते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल की आयतन एक समान रूप से बढ़ती है, एक समान रूप से कम होती है, पहले बढ़ती है और उसके बाद कम होती है, पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पानी का सबसे अधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस में होता है, तो जब बर्फ को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका वॉल्यूम आयतन घटता है और 4 डिग्री से जैसे हम आगे बढ़ते हैं वह आयतन बढ़ते जाता है। तो इसका सबसे करेक्ट जो जवाब होगा वह है पहले कम होती है और उसके बाद बढ़ती है। नेक्स्ट, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी सतह ही जमता है। अन्य गर्म स्थानों पर चले जाते हैं, मर जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब कभी भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो जलाशय, नदी, झील जो है उसकी ऊपरी सतह ही केवल जमती है और नीचे वाली भाग जो है उसमें पानी नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, जिसके कारण जलीय जीव मछलियां आराम से जिंदा रह सकती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कि वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक होने के कारण पसीना का वाष्पीकरण कम होता है या नहीं होता है। सही जवाब ऑप्शन सी। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं, बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, कोई संबंध नहीं है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि किसी भी द्रव में अशुद्धि के कारण नमक, चीनी या कोई भी सॉल्यूट पदार्थ के घुल जाने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसका सही जवाब होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है?
पिंड की प्रकृति पर, पिंड को उपलब्ध कराई गई ऊष्मा पर, पिंड के द्रव्यमान पर, पिंड के तापमान पर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट ऊष्मा पिंड की प्रकृति पर निर्भर करती है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह है, इसका कारण क्या है? यह आपतित ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, यह आपतित ऊष्मा को सोख लेती है, यह पसीना सोख लेती है, यह आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। सही जवाब होगा यह आपतित ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। सफेद कपड़ा गर्मियों के दिन में पहनना चाहिए क्योंकि इससे जो सनलाइट या आपतित ऊष्मा आती है उसको परावर्तित कर देती है, और काली कपड़ा ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। यही कारण है कि ठंडे दिनों में हमें काले रंग की वस्त्र पहनना चाहिए और गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना चाहिए। नेक्स्ट, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, उससे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। सही जवाब होगा कि काली सतह ऊष्मा की सबसे अच्छी अवशोषक होती है, जिसके कारण बहुत कम समय में ही बर्तन हीट प्राप्त कर लेती हैं और खाना जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।